दोस्तों स्वागत है आप सब लोगों का इस चैनल के एक और नए वीडियो में। कर्नाटका के एग्जिट पोल्स सामने आ चुके हैं। एग्जिट पोल्स के आंकड़े सही हैं या गलत, ये तो अलग डिबेटेबल इशू है भाई, लेकिन इस टाइम पर एग्जिट पोल्स के बाद एक अलग ही टाइप की कॉमेडी यहां पर शुरू हो चुकी है और इस वीडियो में मैं उसी कॉमेडी के बारे में बात करना चाहूंगा। भाई गोदी मीडिया के पत्रकार एग्जिट पोल्स के नतीजों को देखने के बाद बुरी तरीके से रोने का काम कर रहे हैं और ऐसा लग रहा है कि जैसे भाई उनके पिछवाड़े पर बर्नौल की बहुत ज्यादा भारी कमी पड़ गई। बिना किसी देरी के सबसे पहले आपके सामने रखना चाहता हूं कि आखिरकार रिजल्ट्स क्या आए हैं। और मैं बहुत ज्यादा वैसे इसमें बिलीव नहीं करता एग्जिट पोल में, लेकिन फिर भी एक बार नतीजे आपके सामने रखने जरूरी हैं। और सारे नंबर्स पढ़ के आपको नहीं बताऊंगा, लेकिन आपको ये बता देता हूं कि 5 जो 10 एग्जिट पोल्स आए हैं उनमें से 5 चैनल के एग्जिट पोल ने कांग्रेस की सरकार यहां पर बनती हुई दिखाई और बाकी के जो 5 हैं उनमें से एक ने तो भाई साहब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बना करके रख दी है, जिसका नाम है न्यूज नेशन। उसके अलावा बाकी के जो 4 हैं वो हंग असेंबली की बात कर रहे हैं। आखिरकार क्यों ना करें भाई, 56 इंच वाले चाय वाले चचा जो है रोज रोड शो करने का काम कर रहे थे, बेचारे बुजुर्ग आदमी को तुम रोज निचोड़ने का काम कर रहे थे, उसके बावजूद भी अगर वहां पर नंबर्स नहीं आ रहे तो कहीं ना कहीं तो कवर अप देखने को मिलेगा। उसके अलावा भाई एक बहुत बड़ा प्रमोशन हुआ है, जहां दिखता है खड्डा वहां आ जाता है जेपी नड्डा। जी हां, यही कुछ हालत है, आपको दिखाना चाहूंगा, क्योंकि एग्जिट पोल्स में बीजेपी हारती हुई नजर आ रही है, एग्जिट पोल्स में नजर आ रही हारती हुई, इसलिए जो तस्वीरें हैं एकदम से चेंज हो चुकी हैं, वक्त बदल दिया है, जज्बात बदल दिए हैं। मोदी जी को हटाकर जेपी नड्डा की एंट्री हो चुकी है और आपके स्क्रीन पर आपको दिखाना चाहूंगा रिपब्लिक भारत, यहां पर देखिए अपनी स्क्रीन के ऊपर जेपी नड्डा आपको नजर आएंगे। और सिर्फ जेपी नड्डा नहीं, यहां पर सिर्फ नरेंद्र मोदी की तस्वीर नहीं बदली, राहुल गांधी की तस्वीर भी बदल चुकी है। भाई साहब मैं आपको जरा दिखा देना चाहता हूं एक स्क्रीनशॉट के माध्यम से कि गुजरात में जब एग्जिट पोल आए थे तो किस तरीके से फोटोज लगाए गए थे। गुजरात के एग्जिट पोल में नरेंद्र मोदी, राहुल गांधी और अरविंद केजरीवाल की फोटोज लगाई गई थी, लेकिन अब वही फोटोज चेंज होकर के हो चुकी हैं, जेपी नड्डा और मल्लिकार्जुन खड़गे की फोटो हो चुकी हैं, राहुल गांधी नरेंद्र मोदी इसमें से गायब हो चुके हैं। एक नंबर, नरेंद्र मोदी को ब्लेम नहीं देना, जेपी नड्डा को ब्लेम देना। दूसरी चीज ये, राहुल गांधी को क्रेडिट नहीं मिलना चाहिए, क्योंकि अगर राहुल गांधी को क्रेडिट मिल गया तो पप्पू वाली इमेज जो है पूरी तरीके से उसका यहां पर खात्मा होना शुरू हो जाएगा। वैसे एक बात ये भी है कि लोकल लीडर्स की, बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि लोकल लीडर्स की एक बहुत बड़ी उपलब्धि है अगर कांग्रेस यहां पर जीतती है तो, ऐसे में कांग्रेस को भी ये बात याद रखनी चाहिए। लेकिन जरा कुछ और तस्वीरें आपको दिखाना चाहता हूं आपकी स्क्रीन के ऊपर, खड्डा भाई साहब मतलब सॉरी नड्डा जी जो है यहां पर नजर आ रहे हैं इंडिया टीवी पर भी, कहीं पर भी चाय वाले 56 इंच चचा नहीं है। भाई ये कैसा 56 इंच है जो अगर नंबर्स कम आ रहे हैं तो भाई 56 इंच गायब हो गया है। अभी मिस्टर खड्डा की बात, वहीं पर एक और स्क्रीनशॉट आपको दिखाना चाहता हूं, ये भी एग्जिट पोल के नतीजों में से सामने आया और ये अपने आप में बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है। अंजना ओम कश्यप आज तक वालों का जो सर्वे हुआ उसमें इन्होंने बताया कि बेंगलुरु शहर में जहां पर 28 सीटें होती हैं वहां पर बीजेपी को 10 सीटें मिलने जा रही हैं, कांग्रेस को 17, जेडीएस को 1 सीट मिलने जा रही है। अब यहां पर विशेष तौर से मैं बेंगलुरु की बात क्यों कर रहा हूं, क्योंकि बेंगलुरु में मोदी जी ने 26 किलोमीटर का रोड शो करने का काम किया था। भाई रोड शो में फूल फेंके गए थे, पुष्प वर्षा उनके ऊपर करी गई थी और ये दिखाया गया था कि भाई ये रोड शो पे क्रेजी सीन्स हो रहे हैं, क्रेजी सीन्स। अगर इतने ही क्रेजी सीन्स थे तो आखिरकार सिर्फ 10 सीटें क्यों मिलती हुई नजर आ रही हैं भारतीय जनता पार्टी को, जरा कोई बीजेपी का चिंटू हमारे को बताएगा। इसके साथ अब बात करना चाहूंगा गोदी मीडिया की रुदाली के बारे में। भाई यहां पर रोना गाना शुरू हो चुका है, बहुत ही सीरियस वाला, और मुझे तो डर लग रहा है कि एग्जिट पोल के नतीजों को देखने के बाद तिहाड़ चौधरी कहीं फिनाइल ना पी ले। देखिए कि आखिरकार इसमें तिहाड़ चौधरी किस तरीके से यहां पर बीजेपी की हार को जस्टिफाई करने का काम कर रहा है। अभी हारे नहीं है, ये सिर्फ एग्जिट पोल है, लेकिन तिहाड़ चौधरी तो भाई साहब अभी से रोने लग गया। और इस बार जो मुफ्त के माल वाली जो रणनीति थी कांग्रेस की वो जीत गई और वेलफेयर स्कीम्स हार गई। अगर आप देखेंगे तो बीजेपी को ज्यादातर वोट प्रधानमंत्री मोदी पार्टी की लॉयल्टी और उनके उम्मीदवारों की वजह से मिल रहे हैं। ये दी है बीजेपी, मुफ्त की रेवड़ी नहीं देती। अबे तिहाड़ चौधरी, ये बीजेपी के लोग हर जगह रोने गाने का काम करते हैं कि 80 करोड़ लोगों को मुफ्त में राशन देने का काम किया, ये तो मुफ्त की रेवड़ी भी नहीं, ये तो पूरा का पूरा मुफ्त का राशन खिलाने का काम कर रहे हैं। दूसरी तरफ तिहाड़ चौधरी ये कह रहा है कि फ्रीबीज वाली पार्टियां विपक्षी पार्टियां। ठीक है यार, होता है, मतलब जब बर्नौल की कमी पड़ जाती है, मार्केट में बर्नौल नहीं मिलती और जो बर्नौल मिलती है उससे भी जलन नहीं बुझती है, तो ऐसा ही होता है।
इसी के साथ एक और वीडियो दिखाना चाहता हूँ तिहाड़ी का आपको। और भाई यहाँ पर तो तिहाड़ी इतना ज्यादा मतलब रो रो के भी पागल हो चुका है, डिप्रेशन में पूरे जा चुका है कि वो सच्चाई कबूल करने का काम कर रहा है कि वो जनता जिसको तरक्की चाहिए, जिसको आगे बढ़ना है, वो बीजेपी को कभी भी वोट नहीं करती है। ये खुद तिहाड़ी बोल रहा है, मैं नहीं बोल रहा हूँ, जरा सुनिए इसको। एक ट्रेंड आपको दिखाई दे रहा है, जो ट्रेडिशनल वोटर है बीजेपी का, जिसकी उम्र अब निकल चुकी है, जो विचारधारा में यकीन करता है, वो अभी भी बीजेपी के साथ है। जो मोदी का फैन है वो अभी भी बीजेपी के साथ है। लेकिन एक बहुत बड़ी जनसंख्या ऐसी है जिसे आप फ्लोटिंग जनसंख्या कहते हैं, जो बॉर्डर पर बैठी है, जो ये देखती है कि हमें किस में फायदा है, जिसे अपना परिवार का पेट भरना है, अपना परिवार चलाना है, जिसे रोजगार चाहिए, जिसे हर साल अपनी आमदनी बढ़ानी है। ये वो लोग हैं, ये छात्र हैं जिन्हें आगे चलकर नौकरी चाहिए। ये सारे लोग जो हैं ये देखते हैं कि हमें फायदा कहां हो रहा है, और उन्हें लगा कि फायदा कांग्रेस के साथ जाने में है, इसलिए वो कांग्रेस के साथ चले गए। अब ये तो थी एग्जिट पोल की बातें, अब जरा कुछ और भी ट्रेंडिंग चीजें आपको दिखाना चाहता हूँ सोशल मीडिया की। सबसे पहले बात करूंगा भावना किशोर के बारे में, जो कि अभी रिसेंटली पंजाब में अरेस्ट हुई थी। टाइम्स नाउ नवभारत की ये पत्रकार हैं, इनको अब छोड़ दिया गया है, और ये अपना इंटरव्यू देने का काम कर रही हैं सुशांत सिन्हा को और कचरा कुमार को। लेकिन आपको इंटरव्यू में दिखा देना चाहता हूं कि किस लेवल की ओवर एक्टिंग यहां पर करी जा रही है, और क्यों मैं इसको ओवर एक्टिंग बोल रहा हूं अभी थोड़ी देर में आपको बताऊंगा, लेकिन पहले इस वीडियो को देखिए। आपको बोला गया आप दरवाजा खुला रख के वॉशरूम जाएंगे? हाँ जी। ये ह्यूमिलिएशन किसी मैंने किसी फिर भी लड़की किया। का मैंने वॉशरूम किया किया दरवाजा खोल के, मुझे नहीं आई शर्म। भाई इतनी घटिया एक्टिंग आखिरकार कौन करता है? और मैं इसको एक्टिंग इसलिए बोल रहा हूँ और यहाँ पर सवाल इसलिए खड़े कर रहा हूँ क्योंकि टाइम्स नाउ नवभारत ये कह रहा है कि देखो भाई महिलाओं के साथ कैसा बर्ताव, कैसा व्यवहार किया गया। लेकिन यही टाइम्स नाउ नवभारत जो है 3-4 दिन पहले रेसलर्स प्रोटेस्ट में जब महिला रेसलर्स को मैन हैंडल यहाँ पर किया गया था तो एक भी चू इन लोगों ने नहीं निकाली थी। इनफैक्ट आपको याद दिलाना चाहूंगा साक्षी जोशी जो हमारे देश की काफी बड़ी पत्रकार हैं, उनको दिल्ली पुलिस ने अरेस्ट करने का काम किया था जब वो रेसलर्स प्रोटेस्ट पे जा रही थी और उनके वहां पर कपड़े भी फाड़ दिए गए थे। आपकी स्क्रीन पर दोबारा स्क्रीनशॉट लगा देता हूं। लेकिन उस टाइम पर सुशांत सिन्हा की नींद नहीं खुली, कचरा कुमार को एक बार भी महिलाओं का सम्मान तब याद नहीं आया। भाई साहब साथ आगे बढ़ना चाहूंगा सोशल मीडिया की एक और ट्रेंडिंग खबर, और भाई ये मन की बात नाम की पनौती पता नहीं कब पीछा छोड़ गया। पता चल रहा है कि मन की बात ना सुनने की वजह से छात्रों और छात्राओं के ऊपर पेनल्टीज लगाई जा रही है। आपको दिखाना चाहूंगा एक स्क्रीनशॉट के माध्यम से, ये कॉलेज का सर्कुलर है जहां पर लिखा हुआ है एज पर इंस्ट्रक्शंस ऑफ डायरेक्टर पीजीआई द मैसेज वाज कन्वेड टू द स्टूडेंट्स बाय योर गुड सेल्फ एंड हॉस्टल कोऑर्डिनेटर दैट इट इज कंपलसरी फॉर फर्स्ट एंड थर्ड ईयर टू अटेंड 100th एपिसोड ऑफ प्राइम मिनिस्टर्स मन की बात। और नीचे एक लिस्ट है जहां पर लिखा है कि कौन कौन उसमें प्रेजेंट नहीं थे, और नीचे साथ में ये भी लिखा है कि स्टॉप आउटिंग फॉर 1 वीक, यानी कि इन फीमेल स्टूडेंट्स की आउटिंग को एक हफ्ते के लिए रोक दिया जा रहा है बिकॉज इन्होंने पनौती मन की बात का 100th एपिसोड नहीं सुना। भाई यहाँ पे इसके अलावा एक और आपको दिखा देना चाहता हूँ, ये तो कुछ भी नहीं है, देहरादून में एक स्कूल के स्टूडेंट्स के ऊपर फाइन लगा दिया गया। भाई देखो अपनी स्क्रीन के ऊपर, स्कूल स्टूडेंट्स एलिजेडली फाइन फॉर नॉट लिसनिंग टू पीएम मोदीज मन की बात। इसके साथ एक इंटरनेशनल लंका वाली खबर निकल कर आई जहां पर पता चला कि दीपिका पादुकोण का फोटो जो है वो टाइम मैगजीन के कवर पेज पे छपा है। जी हाँ, वो दीपिका पादुकोण जिससे जितना भी राइट विंगर गैंग है वो बुरी तरीके से नफरत करता है, इनको टुकड़े टुकड़े गैंग समझता है, इनकी फिल्म को बॉयकॉट करने का काम करता है, वो टाइम मैगजीन के कवर पर नजर आई। और क्या कहा गया जरा देखिए, द ग्लोबल स्टार दीपिका पादुकोण इज ब्रिंगिंग द वर्ल्ड टू द बॉलीवुड। ये हेडलाइन पढ़ने के बाद बॉयकॉट बॉलीवुड के पिछवाड़े पर जरा 2-3 बर्नॉल के ट्यूब भिजवा दीजिए, बहुत कमी पड़ रही है, अकाल पड़ गया यहाँ पे उनके। और ये अपनी आखिरी खबर की, और आखिरी खबर ना हमेशा मैं थोड़ी सी स्पेशल यहाँ पर रखता हूँ, इस बार भी थोड़ी सी स्पेशल है और बात करना चाहेंगे निर्मला ताई के बारे में। जी हाँ, निर्मला ताई जो कि प्याज तो नहीं खाता लेकिन बजरंग बली को नमन करने का काम जरूर करता है। जी हाँ, जरा इसको देखिए वीडियो को। यहां पर निम्मो ताई की जबान फिसली लेकिन निम्मो ताई ने जबान फिसलने के चक्कर में सच बोल दिया। तो कभी भी बजरंग बली जी के नमस्कार करते हैं और हनुमान चालीसा पढ़ते हैं हम सब, मगर उनको चुनावी वक्त हो जाते हैं कांग्रेस वाले हनुमान जी के ऊपर। ये कर्नाटका हनुमान जी का धरती है, उनके जन्म स्थल है इधर। हम तो अभी भी बजरंग बली का नमस्कार करते हैं, ये कहने की जगह पहले बोल दिया हम तो अभी भी बजरंग दल
बजरंग दल का तो आप लोग नमस्कार करते ही हैं, तभी तो मोनू मानेसर जैसे लोगों को बचाने का काम करते हैं। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। अब आपका क्या रिएक्शन है, खास तौर से एग्जिट पोल्स के ऊपर अगर अभी तक नहीं बताया तो क्या वेट कर रहे हो? नीचे अपनी भड़ास पूरी तरीके से निकाल डालो। साथ में आपको क्या लगता है 13 तारीख को क्या होने वाला है, ये भी मुझे नीचे कॉमेंट सेक्शन में कॉमेंट करके जरूर बताना। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक का बटन दबा के, सब्सक्राइब का बटन दबा के, बेल आइकन को जरूर दबाना। मेरे व्लॉग चैनल पर आज एक नया व्लॉग आने वाला है, उसको मिस अगर नहीं करना हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन में व्लॉग चैनल का लिंक है, जाकर उसको देखना। अगर पसंद आए कंटेंट तभी चैनल को सब्सक्राइब करना। अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। मैं आपसे मुलाकात करूंगा इस चैनल के अगले वीडियो में।